तो भाई लोग आज के डेट में हम बात करेंगे यहाँ पर दो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, जो कि अहुजा का है DA-80 और स्ट्रेंजर का है DA-20। तो यहाँ पर हम बात करेंगे DA-20 डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में और DA-80 के बारे में। तो यहाँ पर अहुजा और स्ट्रेंजर का ब्रांड रहने वाला है। यहाँ पर कंपैरिजन तो वीडियो है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा और किस में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर प्राइस रेंज भी देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेंजर का DA-20 डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर, इसका प्राइस रेंज कितना तक जाता है, और यहाँ पर अहुजा का डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर, इसका प्राइस रेंज कितना जाता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या फिर जो भी है वो हम करेंगे कि यहाँ पर कौन सा बेस्ट यहाँ पर होने वाला है हमारे लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेंजर का DA-20 और अहुजा का DA-80 मतलब 80। तो यहाँ पर दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर है। इसका काम क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास छोटा मिक्सर भी है जिसमें कि आपको दो आउटपुट मिलता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर जान लेते हैं स्ट्रेंजर का SM6 मिक्सर। जी हाँ गाइस, अगर आप यहाँ पर SM6 मिक्सर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अदर ब्रांड का भी मिक्सर यूज़ करते हैं जिसमें कि दो आउटपुट सिर्फ आपको मिलते हैं और आपको एम्पलीफायर जो है ज़्यादा कनेक्शन करना होता है, जैसे कि 4 एम्पलीफायर, 6 एम्पलीफायर, 8 एम्पलीफायर या फिर जितना भी एम्पलीफायर आपको ऐड करना है, वो आप इस डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर के मदद से काफ़ी इजी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती है। साथ ही साथ आपको कोई भी यहां पर पैरेलल स्टीरियो और डेजी चैन आपको नहीं करना पड़ेगा। एम्पलीफायर से एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर देते हैं, वैसा कोई भी झंझट यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूटर में आपको नहीं देखने को मिलता, इसलिए आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ कर सकते हैं। इसका काम यही है कि आप इसमें दो इनपुट भी देते हैं तो आप यहाँ से आप इसमें 20 आउटपुट ले सकते हैं और अहुजा में जाते हैं तो उसमें 8 आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेंजर का DA-20 के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं और अहुजा DA-80 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले स्ट्रेंजर का पहले हम ओवरलुक लुक देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन डिटेल्स देखने को मिल जाता है और इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट लुक में आप बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंजर का DA-20 का मॉडल नंबर और ब्रांडिंग यहाँ पर दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर भी लिख रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए गेन नॉब देखने को मिलता है और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन एंड लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है रेड कलर का। तो यहाँ पर इसमें आगे सिंपल सा यहाँ पर फेस देखने को मिलता है। बैक पैनल में आप चलते हैं तो पीछे आपको फ्यूज़ देखने को मिलता है, प्लग इन करने के लिए यहाँ पर केबल देखने को मिलता है और यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए इनपुट दो सॉकेट मिल जाते हैं, मतलब जैक पिन मिल जाते हैं जिसमें कि आप मिक्सर से इसमें इनपुट करेंगे। और जितना भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट जितना भी, मतलब कि ऊपर 10 और यहाँ पर नीचे 10, लेफ्ट और राइट में 10 और 10 मतलब 20 आउटपुट आपको मिल जाते हैं, मतलब कि यहाँ से जितना भी आपको एम्पलीफायर लगाना है आप एम्पलीफायर लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका प्राइस रेंज मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो प्राइस रहेगा वो लगभग तकरीबन 3000 के आसपास में आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका प्राइस 3000 के आसपास में आपको मिल जाएगा और कभी भी लेते हैं तो मेड इन कोलकाता वाला ही लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा सही से आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अहुजा का DA-80 के बारे में, मतलब DA-80 के बारे में, इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इसका प्राइस रेंज कितना तक जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अहुजा और DA-80 का ब्रांडिंग और मॉडल नंबर मेंशन कर दिया गया है। पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन मिलता है, उसके ऊपर रेड कलर का बत्ती भी मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ अलग आपको मिलता है फ्रंट फेस में। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे आपको लेफ्ट के लिए और राइट के लिए यहाँ पर 4 गेन नॉब देखने को मिलते हैं और यहाँ पर लेफ्ट के लिए 4 गेन नॉब मिलते हैं, मतलब राइट के लिए 4 और लेफ्ट के लिए 4 अलग अलग गेन नॉब आपको मिल जाते हैं और एक मेन इनपुट का जो आपका है यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाए, जो कि हम इसको मास्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर एक आपको मास्टर वॉल्यूम मिलता है और यहाँ पर आपको क्लिप का एक रेड कलर का लाइट भी आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका बैक पैनल में क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पीछे आप देखेंगे तो आपको पीछे आपको फ्यूज़ देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर पावर प्लग मिलता है
और यहाँ पर इसमें प्लस पॉइंट यह है कि आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं। अगर आपको चलाना है या फिर उस टाइप का कहीं सिचुएशन हो तो आप यहाँ पर बैटरी से भी इसको चला सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बैटरी का आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर पड़ती भी है छोटे छोटे एम्पलीफायर अगर आपको चलाना है तो आप इसको बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। इसको भी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे क्योंकि हमें जब फीचर्स मिल रहे हैं तो उसको भी हमें गौर करना चाहिए, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ग्राउंड भी दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर लेफ्ट के लिए 4 आउटपुट और राइट के लिए 4 आउटपुट आपको मिलता है। आपको यहाँ पर 2 इनपुट करना है, लेफ्ट और राइट में 2 इनपुट करना है और लेफ्ट और राइट से 4-4 आउटपुट मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर 8 आउटपुट मिलता है। तो इसमें आपको 8 आउटपुट मिलता है, तो आप इसमें जितने भी एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मतलब कि डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर लगाते हैं तो पैरेलल, अगर आपका एम्पलीफायर का बैक सेटिंग में पैरेलल कनेक्शन में रहेगा, पैरेलल में सेट रहेगा आपका क्रॉसओवर, तो यहाँ पर आप 8 एम्पलीफायर लगा सकते हैं। और स्टूडियो में चलाना चाहते हैं डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर तो यहाँ पर 4 एम्पलीफायर आप चला सकते हैं, जो कि काफ़ी बहुत होता है, मतलब 4 एम्पलीफायर बहुत आपका हो जाता है। अगर तगड़ा तगड़ा एम्पलीफायर है तो डीजे के लिए तो काफ़ी सही है। अगर आप देखेंगे जनरली जैसे कि 4 बेस या फिर 6 बेस, तो उस टाइप के बेस या फिर टॉप जो भी है उसमें 4 एम्पलीफायर से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो आप यहाँ पर इसमें जा सकते हैं अहूजा में। अब इसमें क्यों जा सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस रेंज कितना जाता है। तो फीचर्स इसमें ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा ही रहेगा। तो इसका अहूजा का DA80 इसका प्राइस जो है लगभग 4,800 से लेकर के 5,000 के आसपास जा सकता है। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मैं आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पर 5,000 के आसपास आपको पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको 2,000 सस्ता मिलेगा स्ट्रेंजर का DA20, जैसे कि मैंने आपको प्राइस बताया। और यहाँ पर अहूजा DA80 में ये भी है कि यहाँ पर सभी के लिए गेन नोप देखने को मिलता है। तो अगर आप मान लेते हैं बेस एम्पलीफायर, एक में यहाँ पर लाइन डे एम्पलीफायर, एक में टॉप एम्पलीफायर, एक में हॉर्न या फिर HF जो भी लगाए हैं आप, तो उसके लिए आप अलग अलग आपको गेन नोप मिल जाते हैं। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको मिक्सर से बार बार छेड़छाड़ आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर में भी आप यहाँ पर जो है गेन नोप को सेट कर सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप यहाँ पर क्लिप, यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाता है। तो मास्टर वॉल्यूम के आपको जो है सेट करना है लगभग 50% या फिर 60%, उससे ज़्यादा मत करिएगा, तो आधा से थोड़ा बहुत ज़्यादा खोल सकते हैं। और इसको क्लिपिंग तक बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपको क्वालिटी जो है वो कम मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वालिटी के लिए आप इसको क्लिपिंग तक बिल्कुल भी इसको जलने ना दें। और स्टेंजर का भी जो DA20 है उसको भी यहाँ पर आधा से ज़्यादा खोल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसको आधा ही खोलिए, आधा से ज़्यादा मत खोलिए। अगर आधा से भी ज़्यादा जाते हैं तो लगभग 60%, मतलब 6 पॉइंट में खोल सकते हैं, उससे ऊपर मत खोलिएगा, नहीं तो इसमें भी क्वालिटी जो है वो गड़बड़ा जाता है, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप अहूजा का DA80 लीजिए, तो यहाँ पर काफ़ी सही रहेगा। लेकिन प्राइस अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रेंजर के तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अहूजा लें या फिर स्ट्रेंजर का लें, मतलब स्ट्रेंजर का DA20 लें या फिर अहूजा का DA80 लें, मतलब 80 लें DAT, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, तो आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात कि आपका यूज़ कैसा है, अगर आप, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके पास एम्पलीफायर 8 एम्पलीफायर से अगर आप ज़्यादा एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंजर का DA20 ले सकते हैं, आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप कनेक्शन में थोड़ा वीकनेस अगर मान लेते हैं, थोड़ा कमज़ोर है, तो आप यहाँ पर स्ट्रेंजर का DA20 ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए तो अहूजा DA80 जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा ऑप्शन मेरे हिसाब से। और इसका क्वालिटी भी आपको स्ट्रेंजर से ज़्यादा मिलेगा, अहूजा में अच्छा क्वालिटी मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6 एम्पलीफायर या फिर 4 एम्पलीफायर, इस टाइप से अगर आप एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं या फिर सिंगल जोन का एम्पलीफायर है, मान लेते हैं 8 एम्पलीफायर अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पर अहूजा का DA80 ले सकते हैं, काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। और इसमें क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको,
और फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप यहाँ पर ये कमेंट मत करिएगा स्टेंजर का खराब है या फिर आहूजा का खराब है, जो भी है मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ, बस ये आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा कौन सा रहेगा, किस में क्वालिटी मिलेगा। तो मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।